हम लोगों को बोलने ही नहीं दिया गया। जब हमने बोलने ही नहीं देंगे तो फिर सदन में हम किस लिए आए हैं? लोगों ने जो हमें मुद्दे बताए हैं या हम लोगों के मुद्दे देख रहे हैं वो महंगाई को लेकर के हैं, गैस के सिलेंडर को लेकर के हैं, महिलाओं के और मुद्दे हैं जैसे कि सरसों का तेल का मुद्दा है। आज आटा चावल घी क्या बोलते हैं दूध दही हर चीज पर जीएसटी लगा दिया। बागवानी के सेक्टर में कार्टन के ऊपर जीएसटी लगा दिया, खाद्य पदार्थों पे जीएसटी लगा दिया, पेंसिल और शार्पनर तक पे जीएसटी लगा दिया। ये मुद्दे हैं, लोग इनसे त्रस्त हैं। तो हमने विश्वास जो है सरकार में, हमें तो विश्वास है नहीं पर जनता को भी नहीं है। ये आपके सामने जो है जब चुनाव होंगे ये बात आपके सामने आ जाएगी, मगर हमें इन्होंने बोलने नहीं दिया जबकि ऐसा कोई भी रुकावट नहीं थी। पहली बात तो छोटा सेशन किया, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये 35 दिन के सेशन, जबकि विधानसभा का हिमाचल का रूल है कि 35 दिन पूरे कर दें हैं, तो 4 दिन का इन्होंने सेशन रखा। 4 दिन के सेशन में भी ये बोलने नहीं दे रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव क्या 3 घंटे में पूरा हो सकता है? 23 व्यक्तियों ने हमने बोलना है, इनकी तरफ से भी लोगों ने बोलना था और मुख्यमंत्री ने जवाब देना था। निश्चित तौर पर हमारे इलाके की बातें इन्होंने सुनी नहीं, इसलिए हम जो है वहाँ से वापस आए। मैम, जिस तरह से यहाँ पर सदन में अंदर देखा गया, मंत्रियों ने जब जवाब दिया तो ज्यादातर जो चीजें हैं वो पुरानी सरकार की, चाहे कर्ज की बात की जाए चाहे भ्रष्टाचार की बात की जाए, उसको लेकर पूरे तौर पर जो जिम्मेदारी पुरानी सरकार को माने। मैम, इसको लेकर क्या कहना? ये तो कहते हैं कि जो भी मोदी जी की कमियां हैं वो नेहरू जी की वजह से हैं, तो ये तो इनका राष्ट्रीय आलाप है, ये राष्ट्रीय आलाप है इनका। अपनी जो जिम्मेदारी है उससे ये भागते हैं। ये अपने समय की बात बताएं ना, ये बताएं ना कि 5 साल में इन्होंने जेबीटी टीचर्स की भर्ती क्यों नहीं की है। ये बताएं ना कि हमारे कॉलेजेस में, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 कॉलेज है, 3 कॉलेज में 6 लेक्चरर हैं टोटल मिला के, ऐसा क्यों है? हमारे स्कूल्स में 5 की 5 लेक्चरर्स की पोस्टें खाली पड़ी हैं, ऐसा क्यों है? हम ये सारी बातें इसलिए उठाना चाहते हैं क्योंकि जनता अपना विश्वास इनमें खो चुकी है। महिलाओं का जो मुद्दा है, इन्होंने कहा था कि 400 रुपए की गैस बहुत महंगी है, जब हमारी सरकार थी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और अब ये 1200 रुपए में बेच रहे हैं, इसका इनको जवाब देना पड़ेगा। सरसों का तेल जो है वो 235 रुपए हो गया, तो अपने समय की बात करें ना, हमारे समय की बात करके ये अपना पल्लू नहीं झाड़ सकते। मैम, मंत्री राकेश पठानिया ने आप पर कुछ निजी टिप्पणियां की हैं, किस तरह से देखते हैं उनको? राकेश पठानिया को जो सीरियसली लेता है ना वही जवाब दे इसका, मैं उनको सीरियसली नहीं लेती। वैसे भी आज रक्षाबंधन है, ये सब छोटे भाई हैं। थैंक यू। तो ये आप सुन रहे थे आशा कुमारी को, जिन्होंने कहा है कि मंत्री राकेश पठानिया को वो जो हैं वो सीरियसली नहीं लेती हैं, हालांकि उन्होंने कुछ टिप्पणियां आज सदन के अंदर की थी, तो उसको लेकर इन्होंने कहा है कि उनको आज जो है वो सीरियसली नहीं लेते हैं। अनिरुद्ध सिंह जी कुछ कह रहे हैं आपको, उनकी बाइट भी हो गया। सर, मुख्यमंत्री के रिप्लाई से पहले जो विपक्ष आप वॉकआउट करके वापस बाहर आ गए हैं, क्या कहना सर इस चीज को लेकर? पिछले कल जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है माननीय स्पीकर सर के द्वारा हम लोगों ने दिया था, टोटल 23 जने थे जिसमें 22 कांग्रेस के विधायक और एक कम्युनिस्ट पार्टी के आदरणीय राकेश सिंगा जी थे। हमारे को जो समय एलोकेट किया गया वो केवल मात्र 11 बजे से 3 बजे तक किया गया, जिसमें 1 घंटे का लंच पीरियड भी रहा। हम बोलना चाहते हैं कि 23 के 23 विधायकों ने अपनी बात रखनी है, पक्ष वालों ने भी अपनी बात रखनी है। जो 5 साल की विफलता सरकार की है वो 3 घंटे में 4 घंटे में नहीं रखी जा सकती। अगर 15 मिनट भी 20 मिनट भी एक आदमी एक विधायक लेगा तो उसके लिए भी एटलीस्ट 8 से 10 घंटे चाहिए। पहले भी आज प्राइवेट मेंबर डे था, इसके बाद कोई काम नहीं था। और हाउस को, मेंबर्स को ये पूरा अधिकार है कि वो हाउस एक्सटेंड सर्वसम्मति से कर सके, परंतु स्पीकर सर ने केवल मात्र 4 घंटे का समय दिया। आलोचना ना माननीय मुख्यमंत्री सुन सकते हैं अपनी, ना भाजपा सरकार सुन सकती है अपनी। वो उससे भागने के लिए जो है डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री को जवाब देने के लिए बोल दिया। हालांकि 4 घंटे में कम से कम 15 बारी मुख्यमंत्री उठ के जो है उन्होंने हर मेंबर का लगभग उठ बीच बीच में इंटरवीन करके जो है जवाब देते रहे। तो अब जवाब क्या सुनना है, तो इसलिए हमारी बात सुनी नहीं जा रही है लोगों की, चाहे वो बागवान है, किसान है, कन्ना मूलधार के लोग हैं, ओपीएस के जो कर्मचारी वर्ग जिनको बेनिफिट होना है उनकी बात रखनी थी, कई वर्ग हैं जो लोग परेशान हैं महंगाई से, भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं, उनकी बात रखनी थी। जब सुनने नहीं तो वॉकआउट हम लोग सब लोगों ने किया।